मिलने को मिलता है कि जाए कहीं बलोचिस्तान के स्टूडेंट तो इतने नालायक है वो एक टच क्लियर नहीं कर सकते। मैं मुखातिब हूँ सब लोगों से, मैं मुखातिब हूँ सब लोगों से जो कहते हैं बलोचिस्तान के स्टूडेंट्स नालायक है। अगर बलोचिस्तान के स्टूडेंट्स नालायक होते तो आज यहाँ डीसी ऑफिस में फ्री सी नजर नहीं होता। हमारे पूरे समाज को बर्बाद कर दिया गया है। आप समाज के दूसरे तबकात के साथ, आप मेहनत कशों के साथ, मजदूरों के साथ, आम बलोच आवाम के साथ, आप पश्तून आवाम के साथ, आप सिंधी आवाम के साथ क्या कर रहे हैं, उसका तो जवाब आपको हर प्लेटफॉर्म पे दिया जा रहा है। लेकिन हम समझते हैं कि अगर सूबा पर आप उठा कर भी देखा जाएगा तो उसका करारा जवाब दिया जाएगा आपको। सिर्फ लफाजियों की हद तक नहीं कर रहे, ये बात हम तमाम हुकूमती इदारों को बोल रहे हैं कि अगर तब आइंदा से तुलबा के साथ ऐसा हुआ, ऐसा बर्ताव किया गया तो आप हमारी ताकत देखेंगे। आज हमारी ताकत आप पूरे पाकिस्तान के अंदर देख रहे हैं। अगर गलत है तुम इस्तीफा दो, एक पूरा पाकिस्तान इस वक्त बलोचिस्तान के तलबा के साथ खड़ा है। बलोचिस्तान के तलबा की आवाज को दबाना मुश्किल ही नहीं नामुमकिन है। जितने भी पुलिस के ओछे हथकंडे इस्तेमाल किए जाएं उनकी भरपूर मजम्मत की जाती है और जाम कमाल की हुकूमत को शर्म आनी चाहिए कि मेडिकल के हत्या तलबा पर इस तरह से रात की तारीखी में शबे खून मारा गया और उनको गिरफ्तार किया गया। और खास तौर पर वो बच्चे जो के पुरअमन एहतजाज के लिए आए थे उनके खिलाफ जो है वो इस तरह से गवर्नमेंट ने उनको भगाने के लिए एक्शन लिया। इससे मजीद तलबा की तादाद बढ़ेगी और इंशाल्लाह आप देखेंगे बलूचिस्तान अपना हक लेकर ही रहेगा। बलूचिस्तान के स्टूडेंट्स के साथ पूरा पाकिस्तान इस वक्त खड़ा है। उस्मान खान टीवी आपको मुकम्मल सपोर्ट कर रहा है, मुकम्मल तौर पर आपको जो है वो साथ है और इंशाल्लाह ताला आपकी आवाज को बुलंद करेंगे और बलूचिस्तान के तलबा की आवाज को तकवीत देंगे। बलोच हमारे भाई हैं, हमारे दोस्त हैं और इंशाल्लाह यहां पर पूरा पाकिस्तान आप तमाम स्टूडेंट्स के साथ खड़ा है और आपकी आवाज को बुलंद करते रहेंगे। इस वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर करना है ताकि बलूचिस्तान की पुलिस का चेहरा सबको दिखाया जा सके।